नमस्कार, मैं प्रियांशा चतुर्वेदी, न्यूज 18 हिंदी ओरिजिनल्स में आप सभी का स्वागत। एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में हर दिन या तो कोई नई फिल्म रिलीज होती है या कोई एक्टर अपनी अपकमिंग फिल्म को लेकर चर्चा में होता है। तो इस वक्त एंटरटेनमेंट की लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं बॉलीवुड के किंग खान यानी कि शाहरुख खान, क्योंकि पहले नंबर पर तो अभी सनी देओल है। हाल ही में एक्टर की फिल्म गदर 2 सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। 11 अगस्त को बड़े पर्दे पर रिलीज हुई इस फिल्म ने कुछ ही दिनों में 375.10 करोड़ का कलेक्शन कर लिया। बात करें इस फिल्म के बजट की तो इस फिल्म को 80 करोड़ रुपए में बनाया गया। वेल, कमिंग बैक टू आवर शाहरुख खान के ट्रेंड में रहने वाला पॉइंट, तो मिस्टर SRK इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म जवान को लेकर ट्रेंड में बने हुए हैं, और ऐसा क्यों है वो आपको आज के इस वीडियो में बताते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं शाहरुख खान की इस फिल्म के बजट से। तो बता दें, जवान शाहरुख खान के अब तक के करियर की सबसे महंगी फिल्मों में से एक है। इस फिल्म का बजट है 300 करोड़ रुपए। बात करें इस फिल्म की तो इसको लेकर हर रोज नए अपडेट्स सामने आ रहे हैं। इस फिल्म के कई पोस्टर्स अब तक आउट हो चुके हैं। इसके साथ ही शाहरुख खान ने फिल्म का प्रीव्यू वीडियो भी अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया था। बात करें इस फिल्म के गानों की तो फिल्म के साथ साथ इसके गाने भी काफी हाईफाई हैं। फिल्म के पहले गाने जिंदा बंदा को लेकर बताया जा रहा था कि इसमें 1000 डांसर्स हैं। वहीं अब बात करें इस फिल्म के दूसरे सॉन्ग की तो इसमें लाखों के कपड़ों का इस्तेमाल किया गया है। बात करें फिल्म के प्रीव्यू वीडियो की तो इस वीडियो को अब तक 74 मिलियन बार देखा जा चुका है। इसी के साथ आपको शाहरुख खान के अब तक की सबसे महंगी फिल्मों के बारे में बताते हैं। शाहरुख खान की इसी साल रिलीज हुई फिल्म पठान ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था। इस फिल्म का बजट था 250 करोड़ रुपए। वहीं इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी। इसके बाद तीसरे नंबर पर है शाहरुख खान की फिल्म जीरो। इस फिल्म का बजट 200 करोड़ रुपए था। इस फिल्म में शाहरुख खान के साथ अनुष्का शर्मा भी नजर आई थी। इसके बाद चौथे नंबर पर है शाहरुख खान की फिल्म हैप्पी न्यू ईयर। इस फिल्म का बजट था 150 करोड़ रुपए। बात करें शाहरुख खान की फिल्म जवान की तो ये फिल्म इसी साल 7 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज के लिए तैयार है। इस फिल्म में पहली बार शाहरुख खान के साथ साउथ की एक्ट्रेस नयनतारा नजर आने वाली। अब देखना ये है कि क्या ये फिल्म अपने बजट के बराबर या उससे ज्यादा कमाई कर पाती है या नहीं। आपको कैसी लगी हमारी ये खबर हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहें न्यूज 18 हिंदी ओरिजिनल्स।